हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आज हम लोग 66 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए सेकंड मॉडल पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 2 के लिए। तो चलिए चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखते हैं, बक्सर के युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित इलाहाबाद संधि में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सम्मिलित था। दो जो है प्रावधान दिए हुए हैं और बक्सर युद्ध के पश्चात जो हस्ताक्षरित इलाहाबाद संधि थी उसके प्रावधानों में से पूछा गया है कौन से संधि के प्रस्ताव सही है। तो दो कथन हैं, तो इन पे चर्चा करनी है और आंसर देना है। तो जो है यहाँ पे नवाब को अवध पुनः सौंप दिया जाना प्रावधान सम्मिलित है या नहीं है। तो इसका सही जवाब है सम्मिलित है, बिल्कुल सम्मिलित है। और अगला है दूसरा नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार में दीवानी अधिकार प्रदान करना भी सम्मिलित है या नहीं है। तो दोनों ही जो कथन है वो सत्य हैं, मतलब दोनों ही प्रावधान सत्य हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, विदेशी अंशदान यानी विनियमन अधिनियम FCRA 2010 के तहत निम्नलिखित में से विदेशी दान प्राप्त कर सकता है। इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं, पांचवा ई ई ऑप्शन है। तो बताना है कि कौन जो है इस अधिनियम के तहत विदेशी दान प्राप्त कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है, दूसरे का डी ऑप्शन सही है, यानी राजनीतिक दल न्यायाधीश में जो है विदेशी दान प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही सरकारी अधिकारी ना ही मीडिया। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अगस्त 2020 में कितने करोड़ हर घर नल जल और पक्की नाली गली योजना का शिलान्यास किया गया। तो तीसरे का इसमें सही जवाब है बी ऑप्शन, 33,576.51 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के डिजिटल प्रशिक्षण और कौशल केंद्र का शिलान्यास किया। तो कहाँ पर किया है ये आपको बताना है, किस जिले में। तो चौथे का सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन, मुजफ्फरपुर में ये जो है इस संस्थान का और इसके डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र और कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला बिहार का कौन सा संस्थान है। इनमें से ISO सर्टिफिकेट जिसको प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में वो बिहार का कौन सा संस्थान है। तो पाँचवें का जवाब है बी ऑप्शन, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में मेघालय युग जोड़ा गया है। कौन सा युग जोड़ा गया है, मेघालय युग। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार करना है उसके बाद आंसर देना है। तो पहला कथन है यह प्लिस्टोसीन श्रृंखला का एक भाग है, और दूसरा है इसके साक्ष जो है मौमलुह गुफा संरचनाओं में पाए जाते हैं, मौमलुह गुफा संरचनाओं में पाए जाते हैं, और तीसरा है इसे मौसम विश्व मौसम संगठन द्वारा घोषित किया गया है। तो छठे का क्या जवाब होगा, इसमें जो सही है वो दूसरा है, इसके साथ मौमलुह गुफा संरचनाओं में पाए जाते हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर सातवां, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया है। तो सातवें का सही आंसर देना है, तो सातवें का सही आंसर है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ।
निम्नलिखित में से किसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बहुत फेमस न्यूज का ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के मजदूरों की तुलना में कम कुशल क्यों हैं? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कम कर लीजिएगा, कम कुशल क्यों हैं? नौवें का सही आंसर सी, निरक्षरता का उच्च स्तर होने के कारण पश्चिमी देशों की तुलना में हमारे भारतीय मजदूर कम कुशल हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जूनागढ़ शिलालेख में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? जूनालेख जो शिलालेख है कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। तो इसमें जो पहला शिलालेख है वो किस भाषा का, ये बताना है आपको। तो 10वें का सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन, संस्कृत भाषा का ये शिलालेख है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो इसका सही जवाब बताना है आपको, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, तो किनको माना जाता है? तो 11 का सही आंसर है बी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12। एक नए शोध के अनुसार ध्वनि की सबसे तेज गति क्या मापी गई है? अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, लगभग 36 किमी प्रति सेकेंड। लेकिन कुछ सोर्स जो हैं उसके अनुसार जो है 36 किमी प्रति सेकेंड है, और कुछ सोर्स जो हैं 38 किमी प्रति सेकेंड है। लेकिन हम लोगों ने जो मजबूत सोर्स हैं द हिंदू और कुछ यूपीएससी की वेबसाइट, उसमें मिलान करने के बाद ही देखा है, तो 36 आंसर सही है। हाल इसलिए हम लोगों ने 38 नहीं माना है इसको, ठीक है, लेकिन कई कई जगह 38 भी लिखा है, तो आप 36 मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। बिहार सरकार ने 2020 मानसून में 2.51 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसके मुकाबले कितने पौधे अधिक लग गए? थर्टीन का सही जवाब है सी ऑप्शन, 3.47 करोड़ पौधे लग गए, लेकिन टारगेट क्या था? 2.51 करोड़ का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। असमानता कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 के बारे में कौन से कथन सही है? तो पहला कथन क्या है? भारत 158 देशों में से 129वें स्थान पर है। आपको बताना है कि सही है गलत। नार्वे को सूचकांक में पहले स्थान पर रखा गया है, और तीसरा है यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो 14 का सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन सही है, यानी पहला सही है, दूसरा सही है, ये जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? 15 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केरल जो है सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है। स्पियालिया जेब्रा जो हाल ही में चर्चा में रही वो क्या है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, तितली की एक प्रजाति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रस्तावित हर्बल कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों में बनाया जाएगा?
17 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, 13 जिलों में बनाया जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कृषि क्षेत्र से जुड़े बिहार के किस कृषि मॉडल को पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो 18 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, किसानों को बीज की होम डिलीवरी करना। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय वायुसेना के दो अधिकारियों ने किस जगह पर स्थित खारदुंग ला दर्रा पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्काई डाइव करने का रिकॉर्ड बनाया है? अब ये सबसे मुख्य बात यह है, खारदुंग ला दर्रा कहाँ पड़ता है ये खोजना है, वही आंसर होगा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, लेह में पड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? तो 20 का सही जवाब है बी ऑप्शन, बांग्लादेश ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान होने की संभावना है? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान होने की आशंका व्यक्त की गई है विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अक्टूबर 2020 में किस संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में 29 मिलियन महिलाएं एवं लड़कियां आधुनिक दासता की शिकार हैं? तो किस संस्था ने ये रिपोर्ट जारी की है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, सी ऑप्शन यूएन वुमेन और डी ऑप्शन वॉक फ्री। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, वॉक फ्री नामक संस्था ने ये डाटा रिलीज किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अक्टूबर 2020 में सागर कवच नामक युद्धाभ्यास संयुक्त रूप से किनके द्वारा आयोजित किया गया? तो 23 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक बल द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सम्मान में किस जिले में सुल्तानगंज फिल्म सिटी का शिलान्यास किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? 24 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, भागलपुर में किया जाएगा। कहाँ पर? भागलपुर में किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 25 का सही आंसर क्या होगा? डी आंसर सही है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। रुद्रम मिसाइल जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो चार विकल्प हैं, चारों को देखते हैं, पांचवा ई ऑप्शन है। यह भारत की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये बिल्कुल सही है। इसकी नई पीढ़ी मिसाइल का परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को व्हीलर द्वीप से किया गया, सही है ये भी बिल्कुल। अगला है, इस मिसाइल को राफेल युद्धक विमान से जोड़ा गया है, इसको वेटिंग में रख लेते हैं। और डी ऑप्शन है, इसमें INS GPS नेविगेशन लगा हुआ है, ये भी सही है, मतलब कि सी ऑप्शन गलत है, मतलब यही सही माना जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो 27 का सही जवाब है ए ऑप्शन, वृषण में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बिहार के महान साहित्यकार
श्री राजेंद्र झा राज जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? 28 नंबर, 28 का सही आंसर है बी ऑप्शन, मैथिली भाषा के साहित्यकार थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस योजना के तहत पटना के कंकड़बाग में एक नवनिर्मित बाग का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? पटना के कंकड़बाग में। तो किस योजना के तहत किया है उसका जवाब देना है आपको। तो 29 का सही जवाब क्या होगा? 29 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अमृत योजना के तहत पटना के कंकड़बाग में जो है इस योजना के तहत कंकड़बाग में एक नवनिर्मित बाग का उद्घाटन किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। किस संगठन ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 नाम से रिपोर्ट प्रकाशित की है? पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 नामक रिपोर्ट प्रकाशित किया है किस संगठन ने? तो 30 का सही जवाब है 30 का, 30 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया है? तो वर्ष 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, ब्लैक होल निर्माण के क्षेत्र में खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में केंद्र सरकार ने संविधान की किस सूची के तहत कृषि से संबंधित दो विधेयक संसद में पेश किया है जो बाद में कानून बन गया? सही आंसर देना है इसका 32 का। तो 32 का सही आंसर है जो है ए ऑप्शन, सूची सेकंड में प्रवेश 14 के तहत ये दो विधेयक पारित किए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। किन राज्यों में डॉल्फिन सफारी आरंभ की गई है? किन राज्यों में डॉल्फिन सफारी आरंभ की गई है? तो 33 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय सरकार ने किन तीन अर्थशास्त्रियों को आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है? 34 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, ये ऑप्शन गलत है, अर्चना शुक्ला को नहीं नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर पांच प्राणी सेतुओं यानी एनिमल ओवर पास की योजना बनाई गई है? इसका सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो 36 का सही आंसर क्या है? सी आंसर सही है, नवगढ़ रेलवे का स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना में निवेश को मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित है धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश में ये योजना प्रस्तावित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस एक्ट के तहत हाथी रिजर्व को वैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है? तो 38 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972 के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 39। सर्वोच्च न्यायालय का 2010 का श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटका राज्य निर्णय हाल ही में किस संदर्भ में उल्लेखित किया गया है? तो 39 का सही जवाब है सी ऑप्शन, गैर स्वैच्छिक नार्को टेस्ट, जो अभी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित लड़की का जो रेप केस आया था, तो उसमें उत्तर प्रदेश के जो सीएम थे श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ये बयान दिया था कि मतलब जो दोषी पक्ष है और जो मतलब कि पीड़ित पक्ष है, दोनों का ही
नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, जिसके तहत मतलब कि जो दोषी पक्ष था उसने तो नार्को टेस्ट के लिए स्वेच्छा से हाँ कर दी थी, लेकिन जो पीड़ित पक्ष था उसने नार्को टेस्ट करने के लिए मना कर दिया। तो इसलिए ये जो श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक का राजनिर्णय है, ये काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि इसमें कोर्ट के पास ये अधिकार है कि किसी को अभी नार्को टेस्ट करने के लिए बोल सकता है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। किस शहर में ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, कोलकाता में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत एवं बांग्लादेश के बीच अक्टूबर 2020 में आयोजित द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का क्या नाम था? 41 का सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन सही है, बोंगो सागर नाम था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सुमन कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो सुमन कार्यक्रम चल रहा है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 42 का सही आंसर है सी ऑप्शन, सुरक्षित मातृत्व से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। जन प्रतिनिधित्व कानून की कौन सी धारा टेलीविजन या रेडियो चैनलों द्वारा किसी क्षेत्र में चुनाव से 48 घंटे पहले या चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार चुनावी सामग्री दर्शाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो 43 का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, 126 धारा के तहत ये प्रतिबंध लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। माफिया गिरोहों को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? जो माफिया गिरोह थे बिहार में, उनको खत्म करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था? 44 का सही आंसर है डी, ऑपरेशन कोबरा चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की? 45 का सही जवाब क्या है ये आपको देना है। तो 45 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जस्टिस एन सिंह जो थे इस पैनल के अध्यक्ष थे, जस्टिस एन सिंह इस पैनल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। अटल टनल के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ए ऑप्शन, यह टनल 9.02 किलोमीटर लंबी है, ये बिल्कुल सही है, ये पूरे साल मनाली कोलाहल स्पीति घाटी से जोड़कर रहती है, तो जो है ये भी बिल्कुल सही है। यह टनल हिमालय की काराकोरम श्रृंखला में बनाई गई है, ये भी सही है। तो गलत जवाब ये डी ऑप्शन, ये घोड़े की नाल के आकार में सिंगल टड ट्यूब और डबल लेन वाली टनल है, यानी सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। जीतिया का पर्व किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को ये पर्व मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था? ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था? 48 का सही जवाब बी ऑप्शन, बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जरासंध महाभारत कालीन शासक था, उसे किस क्षेत्र पर शासन करने का श्रेय है? मगध प्रदेश का राजा था, मगध में वो राज करता था। अगला क्वेश्चन नंबर 50। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति का वाला जिला कौन सा है? तो 50 का सही जवाब बताना है आपको, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, गया में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मंसब भेजे थे? तो किस सिख धर्म के गुरु ने बिहार के क्षेत्र में धार्मिक प्रतिनिधि भेजे थे? तो 51 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिल जाती है? तो 52 का सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, बढ़िया से पश्चिम किस ओर जाती है? बढ़िया से पश्चिम की ओर जाके गंगा में मिल जाती है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चार कथन दिए हुए हैं, चारों ही पुष्पमित्र सुंग से संबंधित हैं, तो चार में से एक जो है गलत है। तो 53 का डी ऑप्शन गलत है। राज्याभिषेक के पश्चात पुष्पमित्र ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 54। मंजूषा चित्रशैली की प्रमुख चित्रकार कौन थी? तो 54 का सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन चक्रवर्ती देवी जो है मंजूषा चित्रशैली की प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, ब्राह्मण पुराण में पुष्पमित्र की शासन अवधि का उल्लेख किया गया है, यह अवधि क्या है? उन्होंने कितने साल तक शासन किया ये बताना है आपको, जिसका उल्लेख ब्राह्मण पुराण में किया गया है। तो 55 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 60 साल तक उन्होंने शासन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था, किसने किया था मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित? तो 56 का सही जवाब सी, पुष्पमित्र सुंग ने ही मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो 57 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, जगदीश नारायण ने युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। 58 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? जो कोंकण रेल मार्ग है किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो 59 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। मावसिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है? 60 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती हैं, इसलिए मावसिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। बिहार से नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है? तो 61 का सही आंसर है बी, रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है बिहार से नेपाल जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो 62 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, अगरतला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जो पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो 63 का सही आंसर है बी ऑप्शन, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। क्वेश्चन है नेक्स्ट 64। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत हिस्सा है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का? तो 64 का सही आंसर है ए ऑप्शन, 71% हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? जो पेड़ों पर पे लताएं चढ़ी होती हैं टेढ़ी मेढ़ी, उन्हें विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में क्या कहा जाता है? तो 65 का सही आंसर है उन्हें जो है लियाना कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो विकिरण की तीव्रता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो 66 का सी ऑप्शन सही है, एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है, किसको अलग करता है ये बताना है आपको। जो बेरिंग जल डमरू मध्य है वो किसको किन किन दो महासागरों को अलग करता है?
तो 67 का सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई है? 68 का सही जवाब है ए ऑप्शन, वेंडीवास। वेंडीवास की जो लड़ाई थी वो निर्णायक सिद्ध हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। बंगाल में राजस्व का इस्तमारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था बंगाल में? 69 का ऑप्शन सही है डी, कार्नवालिस ने इस्तमारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त लागू किया था बंगाल में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तब गवर्नर जनरल कौन थे? तो 70 का सही जवाब है बी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन है अगला 71 नंबर। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? 71 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उटका डिस्पैच रिपोर्ट के माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया, किस साइंटिस्ट द्वारा किया गया ये बताना है आपको। तो 72 का सही आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा ये हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तिहत्तर का सही जवाब है डी ऑप्शन, लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट जिसे बोलते हैं वो कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन करने वाला रिकॉर्ड उपकरण कौन सा है? तो 74 का सही जवाब क्या होगा? बी, हाइग्रोमीटर को ही जो है वो उपकरण है जिससे वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? 75 का सही जवाब बताइए, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, तापमान के कारण भिन्न भिन्न तारों पर भिन्न भिन्न रंग होते हैं, तापमान की विविधता के कारण। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। यह किसने कहा था कि इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है, ये कथन किसका है? तो 76 का सही जवाब है सी, जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम में रखिए, उनके कालानुक्रम के साथ ही इसका आंसर दीजिए। तो 77 का सही आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। वायस राय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? 78 78 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जालियांवाला बाग त्रासदी की जो है उन्होंने जांच की थी, जो वायसराय द्वारा नियुक्त किया गया था हंटर कमीशन, उसने जालियांवाला बाग त्रासदी की जांच की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि, 79 का सही आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि ऊन कुचालक होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80।
यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके ढोलन की अवधि क्या होगी? 80 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गुणक द्वारा घट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? किसको कम करने के लिए अपना हाथ को ऊपर से नीचे की ओर खींचता है कैच पकड़ते समय? तो आवेग को कम करने के लिए अपना हाथ नीचे की ओर खींच लेता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 नंबर। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? 82 का सही जवाब है बी, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? 83 नंबर। 83 का सही जवाब है बी ऑप्शन, स्पोरोजॉइट जो है वो अवस्था संक्रामक अवस्था है। क्वेश्चन है अगला नंबर 84 नंबर। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो 84 का सही आंसर है ए, हरे पादप द्वारा किया जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए 85 में, तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट और नॉस्टोक जो है डाई एजोट्रॉफ और वाष्पोत्सर्जन जो है पादप सतह से पानी की कमी और गेहूं के कीट जो है पादप रोग। गेहूं के कीट यानी पादप रोग। तो सही जवाब क्या है? सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है, मिश्रित करने पर क्या हो जाता है? मिश्रित करने पर गैसोलीन मिश्रित करने पर क्या हो जाता है ये आपको बताना है। तो 86 का सही आंसर क्या है? सी डी ऑप्शन, सॉरी 86 का सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, इससे गंध कम हो जाता है, गैसोलीन मिलाने से गंध कम हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में कांग्रेस छोड़ देने के बाद किस दल की स्थापना की गई थी? तो 87 का सही आंसर है डी ऑप्शन सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन वह क्षेत्र है जो 1857 ईस्वी विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो 88 का सही जवाब है बी ऑप्शन, चित्तौड़। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने तीन तीन निम्न में से कौन से कथन दिए थे? तो जो है 89 का सही आंसर है तीसरा, राष्ट्रीय सियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकारने को कहा था। तो इसका सही आंसर है सी, केवल तीसरा ऑप्शन सही है। फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? 90 का आंसर देना है आपको। तो इसका सही जवाब है बी, एनी बेसेंट जो थी वो थी फेवियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? 91 का सही आंसर है सी, अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का
वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। 92 का सही आंसर है डी ऑप्शन, औरंगजेब ने अपना पहला कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल में स्थापित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजियन नामक सेना बनाई थी। तो 93 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया लीजियन नामक सेना बनाई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित। विक्रमशिला मठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, या हेमकुंडा गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। तो कौन सा सही है, 94 का कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है, यानी चौथा सही है, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो 95 का सही आंसर है सी, जहांगीर के समकालीन थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है। निम्न में से किस विद्रोह का उल्लेख किया है। 96 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सन्यासी विद्रोह का उन्होंने अपने आनंद मठ नामक उपन्यास में उल्लेख किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का पहल कौन करेगा। 97 का सही जवाब है बी ऑप्शन, राज्यपाल। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम जो है क्या है, उसका नाम है अनामुडी नाम है, इसका अनामुडी नाम है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, उस थर्मामीटर को क्या कहते हैं जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर मापने हेतु उपयुक्त होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है, तो उस थर्मामीटर को क्या कहते हैं। तो 99 का सही जवाब है ए, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर बोलते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, पवन के वेग का मापन किस यंत्र से किया जाता है। पवन के वेग का मापन जो है एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है, एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वॉट होते हैं। एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वॉट होते हैं, 101 सही जवाब है सी, 746 वॉट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, गोधन न्याय योजना किस राज्य द्वारा संचालित योजना है। किस राज्य में गोधन न्याय योजना चालू की गई है। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ राज्य ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, इस्तांबुल समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इस्तांबुल समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, 103 नंबर का आंसर है डी, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए ये समझौता किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। किन्होंने आक्रमण किया था जिससे रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत का व्यापार समझौता था वो समाप्त हो गया। तो 104 का सही जवाब है सी ऑप्शन, हूणों ने आक्रमण किया था इसलिए ये जो व्यापार समझौता ये समाप्त हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं।
तो इसका सही जवाब क्या होगा, 105 का बी ऑप्शन, समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं वो इलाहाबाद के स्तंभ पर उत्कीर्ण की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, फ्रियोन नामक गैस जो है इसमें प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जो दिल्ली की सुल्तान थी रजिया सुल्तान, वो किसकी पुत्री थी, ये आपको बताना है इसमें 107 नंबर में। तो इसका सही जवाब है शम्स उद दिन इल्तुतिस इल्तुतिसमिस, शम्स उद दिन इल्तुतिसमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर। गोरख पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु क्या विख्यात है? गोरख पहाड़ों पर चट्टानों को काटकर जो 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाई गई थी वो किस कहाँ विख्यात हैं? तो 108 का सही जवाब है बी, ये बुंदेलखंड के महोबा में है, ये 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो हैं वहाँ की विख्यात हैं, वहीं पर ही गोरख पहाड़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? 109 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कृषि कार्य जो था वो उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? 110 का सही जवाब है बी ऑप्शन, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? 111 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कृषि पर निवेश किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? 112 का सही जवाब है ए ऑप्शन, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? 113 का सही जवाब बी ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर का जो है लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है अर्थशास्त्र में? तो 114 का सही जवाब है बी ऑप्शन, भौतिक पूंजी को के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से उन करों और शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कौन से कर हैं जो केंद्र सरकार राज्यों के साथ में नहीं बांटता है? तो 115 का सही जवाब है सी ऑप्शन, आयकर पर अधिभार जो है वो जो है केंद्र सरकार राज्यों के साथ में नहीं बांटता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि, क्या उद्देश्य था 116 का? बी ऑप्शन सही है, भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह हो, ये मुख्य उद्देश्य था भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का। और क्वेश्चन है 117 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण यानी ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? जो द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधी थे युद्ध के दौरान के, उनका ट्रायल किस जगह किया गया था? तो 117 का सही आंसर है बी, पीटर्सबर्ग में जो है उनका ट्रायल हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? क्या रखा गया था? डेजर्ट फॉक्स रखा गया था, तो उसका नाम बताना है, कि ओरिजिनल नाम बताना है। तो 118 का सही जवाब है सी, साम्यवाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? जो अंतर निकल के आता है माइनस करने पर, वो किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो 119 का क्या होगा? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। इसको बोलते हैं कैपिटल डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर। फासिस्टवाद की यानी फांसीवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फांसीवाद की विचारधारा कहाँ से आई है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, इटली में ये विचारधारा विकसित हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? 121 ये जो है जमशेदपुर में है, जमशेदपुर झारखंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशी बांध कौन सा है जो रावी नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल, कहलगांव, रणजीत सागर बांध, रिहंद बांध। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, रणजीत सागर बांध। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? 123, 123 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सही है इसमें, एक कावास गुजरात, यही सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की टर्मिनोलॉजी में खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं? 124 का सही जवाब है सी ऑप्शन, प्रतिभूतियों में व्यापार को ही खुले बाजार की इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। सूची फर्स्ट को सेकेंड से मिलान करना है और कूट के माध्यम से आंसर देना है। तो एक तरफ जो है नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ घटनाएं लिखी हैं। तो 125 को देख लीजिए, 125 का जो है हॉप्स जो है चार्ल्स प्रथम को फांसी, और जो है रूसो जो है फ्रांसीसी क्रांति, और लॉक जो है गौरवमयी क्रांति, और हिटलर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए चर्चित है। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैगनीज पैदा करता है? 126 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैगनीज होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। बांधों और उनके राज्यों का मेल मिलाइए, वे कहाँ स्थित हैं? तो एक तरफ बांध दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य। तो 127 का सही आंसर बताना है, तो तुंगभद्रा जो है कर्नाटका में है, और जो है लोअर भवानी जो है तमिलनाडु में है, और इदुक्की जो है केरल में है, और नागार्जुन जो है आंध्र प्रदेश में है। तो सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? जो राख का टीला है वो किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? 128 का सही जवाब
बी संगन कल्लू नामक नौ पाषाण के स्थल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? 129 का, 129 का सही जवाब है डी ऑप्शन, एम आर जयकर ने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी 1918 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। भारत में मुद्रायन लाने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? 130, 130 का सही जवाब है बी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, इस सीरीज में अगली संख्या ज्ञात करो, 765, 642, डिफरेंस कितना है? इसके अनुसार ही देखेंगे, 123 का डिफरेंस है, मतलब 123 माइनस होता जा रहा है, तो 273 में से 123 माइनस होगा, 150 बचेगा, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। नीचे कुछ निष्कर्षों के बयान दिए हैं, दिए गए प्रश्नों के आधार पर इसका जवाब देना है। कॉलेज की पढ़ाई इन दिनों बहुत महंगी हो गई है और कॉलेज की शिक्षा कुछ ही लोगों तक सीमित रहनी चाहिए, ठीक है, ये दो कथन है, निष्कर्ष देखना है जो है। कोई भी कॉलेज जाने का जोखिम नहीं उठा सकता, तो ये जो कथन है इनसे मैच नहीं खाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाते हैं, ठीक है, सभी बच्चे कॉलेज जाते हैं जो पढ़ते हैं, यहाँ तक कि गरीबों के पास सस्ती कॉलेज शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए, है तो ठीक है, कथन फिट नहीं बन रहा है। तो सही आंसर डी, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। एक घड़ी का एमआरपी 4,750 रुपये है, दुकानदार इसे 12% की छूट पर बेचता है, यदि दुकानदार 3,850 रुपये की घड़ी खरीदता है तो उसका लाभ क्या है? तो इसमें जो है 4,750 जो है का 88% जो है हो गया, 88% में बेचता है ना, 12% की छूट दे दी, 100% रेट है, 12% की छूट दे दी इसमें, तो कितना आ गया अमाउंट, 4,180 रुपये में सेल करता है, और जो है ख़रीदा इसने कितने में था, 3,850 रुपये में, तो इसका डिफरेंस जो है वही प्रॉफिट है, तो डिफरेंस कितना है, 330 रुपये का ये प्रॉफिट है, तो सही आंसर डी 330 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। पाइप ए 6 घंटों में एक टैंक को भर सकता है, वहीं बी 10 घंटों में भर सकता है, और ए बी सी मिलकर समान टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, तो ये कितने दिनों कितने घंटों में सी अकेला भरेगा? तो इसमें आधा है क्वेश्चन, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसका आंसर संभव नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका आंसर संभव नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। 54 छात्रों की कक्षा में 24 दूध पीते हैं और 28 चाय पीते हैं, 8 छात्र कुछ नहीं पीते, 54 छात्र हैं, 8 कुछ पीते नहीं हैं, कितने बचे, 46 जो है, 20 जो हैं दूध पीते हैं और 20 ही चाय पीते हैं, और 6 जो हैं कॉमन हैं जो चाय और दूध दोनों पीते हैं, तो सही आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। यदि 5x और 8x के HCF और LCM क्रमशः 9 और 360 हैं तो x का मान बताइए, तो जो है यहाँ पे करके देख लेते हैं हम लोग, 5 × 9 इजिकल टू 45 और 8 × 9 72, और दोनों करके देखते हैं, 45 और 72 टू और 3 3 5 पूरा कट गया, 45 45 36 18 9 3 1, तो क्या बचा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 कितना हो गया, 360 सही है, तो सही आंसर क्या होगा, 9।
नाइन सी मल्टीप्लाई दोनों जगह किया था ना, ये सही आंसर नाइन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। एक साइकिल चालक 8 किमी की दूरी 15 किमी घंटा और आगे की 4 किमी की दूरी 20 किमी घंटा की रफ्तार से तय करता है, किसी घंटा में उसकी औसत गति क्या होगी? तो कितना है, 20 और 15, 35 अपॉन 2 इजिकल टू 17.5। सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। यदि बालू, बेंजामिन और बाबर द्वारा प्राप्त औसत अंक 80 है और बेंजामिन और बाबर के औसत अंक 83 हैं, तो बालू द्वारा प्राप्त अंक प्राप्त कर बताइए। तो ए प्लस बी प्लस सी इजिक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई 3 240 हो गया। तीनों के 80 80 है ना, मान लेते हैं औसत निकालना है, तो तीनों के 240 हो गए। और बी और सी ठीक है, अब दो के बात करते हैं तो इसका क्या हो गया, 83 मल्टीप्लाई 2 इजिक्वल टू 166। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आया, 74। 74 ये आंसर है, सही आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध व्यक्ति से क्या है? ये व्यक्ति है, इसका जो है ये वृद्ध व्यक्ति हो गया, इसका पुत्र मेरा पुत्र ठीक है, इसका चाचा है, अब बात कर रहा है मेरी माँ की, माँ हो गई है कि पुत्री का पुत्र का संबंध इसके साथ में क्या है, नाती का संबंध है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो जो निम्नलिखित युग्म के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता है। तो 140 का सही जवाब क्या है, सी सही है, दर्शन का भाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 क्या है, सभा के दौरान छात्र एक पंक्ति में खड़े होते हैं, दोनों छोर से सलमान खान 21वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं टोटल? इधर से भी गिनो, इधर से भी गिनो, 21वें स्थान पर है, यानी इधर भी 20 होंगे, इधर भी 20 होंगे, जोड़ने पर कितने होंगे, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। सुमा उमा से छोटी है, उमा से छोटी है सुमा, नेहा सुमा से लंबी है, नेहा जो है सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हिमा से छोटी है, लेकिन हिमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, सही है, इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। कितने छात्र नर्तक और क्रिकेटर हैं लेकिन लड़के नहीं, मतलब ये बॉयज़ नहीं, तो जो है ऐसा कॉमन चीज 4 है, यानी करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था और 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? तो इस दिन तो जो है मंगलवार था और इसके अंतराल में 2 लीप वर्ष आए, मतलब 2 दिन रिमेनिंग बचे थे ठीक है, 2 वर्ष आए, 4 दिन हो गए ठीक है, 2 लीप वर्ष होने के कारण सही आंसर सी ऑप्शन मंगलवार को पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 145। यदि हरा का अर्थ, यदि ग्रीन का अर्थ रेड है और लाल का अर्थ पीला है यानी येलो है, और येलो का अर्थ ब्लू है, और नीला का अर्थ
नारंगी है। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? सही आंसर ए नारंगी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, पुलिस को शिक्षक कहा जाए और शिक्षक को पॉलिटिशियन कहा जाए और पॉलिटिशियन को डॉक्टर कहा जाए और डॉक्टर को लॉयर कहा जाए और लॉयर को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो 146 का सही आंसर क्या होगा? सी आंसर, अपराधियों को शिक्षक पकड़ेंगे। नेक्स्ट है 147 नंबर। यदि स्ट्रीम लाइन के दूसरे दूसरे पांचवें छठे और दसवें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो कौन सा बनेगा इसका सही सार्थक? टीम बनेगा। तो तीसरा जो है अक्षर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, दक्षिण की ओर चलते हैं 8 किलोमीटर, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, दाहिनी ओर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और 5 किलोमीटर चलती हैं। बी 3 किमी उत्तर की ओर साइकिल चलाती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किमी साइकिल चलाती है तथा फिर बाएं मुड़कर 4 किमी। पश्चिम का एरिया हो गया, ठीक है, ये तो एक ही बात हो गई। बी 3 किमी उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की ओर 3 किमी, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है 5 किमी चलती है, फिर जो है बायां मुड़कर 4 किमी आती है। ये बी से किस स्थिति पर है ज्ञात करना है आपको? तो जो है 148 का सही आंसर क्या होगा? 148 का सही आंसर क्या होगा? सी 7 किमी उत्तर स्थिति में, क्योंकि 3 किमी जो है यहाँ से ऊपर गई तो कितना हो गया? 8 3 11 हो गए टोटल, 3 दोनों को मिलाने से 11 हो गए, ठीक है। अब यहाँ को जो है 5 किमी चली, तो ये जो है ये डिस्टेंस तो बराबर हो गई, अब यही बस रही। अब है जो 4 किमी, मतलब कि यहाँ तक और आ गई 4 किमी, तो 3 तो ये कवर हो गए, एक यहाँ से कवर हो गए, बचे कितने? 7 किमी उत्तर, उत्तर है ना, उत्तर का एरिया, तो 7 किमी उत्तर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में हु आर यू को 432 कहा जाता है, दे इज यू को 485 कहा जाता है, दे आर डेंजरस को 295 में लिखा जाए, तो उसी भाषा में डेंजरस को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डेंजरस को क्या लिखा जाएगा? मान के चलो ये लिखा जाता है, तो जो है 4 को क्या लिखा जा रहा है? 4 का इसमें कॉमन क्या है? 4 को यू लिखा गया, बात हो गई, जम गई। और 2 कहाँ कॉमन है? तो यहाँ आर कॉमन है और क्या कहा जा रहा है? 2 को आर कहा जा रहा है, बात यहाँ जम गई। और 5 यहाँ कॉमन है, 5 यहाँ कॉमन है, तो 5 को क्या कहा जा रहा है? दे कहा जा रहा है, 5 को दे कहा जा रहा है, यानी 2 भी कवर हो गया, 4 भी कवर हो गया। तो यहाँ पर 8 को क्या कहा जा रहा था? इस कहा जा रहा था, 8 को इस कहा जा रहा था, को हु कहा जा रहा था, हु कहा जा रहा था, लास्ट में डेंजरस ही बचता है, डेंजरस को 9 कहा जा रहा था। आज का अंतिम और पेपर का अंतिम क्वेश्चन, आज निष्कर्ष दिए हुए हैं और कथन दिए हुए हैं, तो कथन को पहले पढ़ना है, कथन के माध्यम से निष्कर्ष को कनेक्ट करवाना है और उसके माध्यम से उत्तर देना है।
तो कथन क्या कहता, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो उसका निष्कर्ष क्या दिया है? पहला, आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। वहीं दूसरा, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। पहला ही सही लग रहा है इसमें, तो केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, यही सही। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।